सोच आज की स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने घर बैठे खाता ओपन कर सकते हैं। आज की स्टूडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाते सेविंग अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने भी अपना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ में आपके आंखों के सामने बता रहा हूँ। और आज की भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है आपको यूट्यूब पे शायद ही देखने को ना मिले, तो आज का एक नया मेथड बता रहा हूँ जिससे आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना जो सेविंग अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें मिलती है, जैसे कि एटीएम कार्ड मिलता है आपको, एंड आपको जो अकाउंट नंबर है वो मिल जाता है, कस्टमर आईडी मिल जाती है, एंड काफी सारी चीजें मिल जाती है जिससे आप अपना फोन पे पेटीएम जैसी एप्लीकेशन को भी चला सकते हो। एंड यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं करता कि भाई इतना चार्ज यहाँ पे देना पड़ता है, कोई यहाँ पे चार्ज नहीं, कोई बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है, आप जीरो बैलेंस यहाँ पे आप रख सकते हो। और आज की जो वीडियो है इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे उसमें खाता ओपन किया जाता है। काफी सारे लोगों का पिछले वीडियो में कमेंट्स आ रहा था खाता ओपन करने के बाद हमारा फोन पे और पेटीएम है ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप फोन पे पेटीएम जैसी सारी सुविधाएं यहाँ पे ले सकते हो। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता ओपन करने का मात्र 5 मिनट का प्रोसेस है जो कि आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये वीडियो आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी, तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, वीडियो लास्ट तक बने रहना। आज की जो वीडियो है काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने। तो चलते हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको सारा कुछ लाइव प्रूफ बताऊंगा लैपटॉप की स्क्रीन पर। लेकिन हाँ, उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पे नया चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले तुम्हें अपना गूगल ओपन कर लेना है। आपके पास गूगल है तो गूगल ओपन कर सकते हो, या फिर आपके पास क्रोम ब्राउजर है तो वो भी आप ओपन कर सकते हो। देन उसके बाद जैसे ही आपका गूगल ओपन हो जाता है, यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है IPPB या फिर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी सर्च कर सकते हो। तो जैसे ही तुम सर्च करते हो तो यहाँ पे आपके सामने जो नई स्क्रीन आएगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पे आपको कोई अदर वेबसाइट पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें फर्स्ट नंबर पे जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे ये वाली लिंक पे क्लिक करना है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो पर्सनल लिख रखा है उस पर तुम्हें क्लिक करना है। देन जैसे ही क्लिक करोगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर तुम डिडक्ट हो जाओगे। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे जैसे आप मेन वेबसाइट पे आ जाते हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के सामने आपको पॉपअप आएगा, यहाँ पे इसको आपको कटस कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप कटस करते हैं यहाँ पे तुम्हें जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे तुम आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे तुम इजीली अपना सेविंग अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर आपने मोबाइल में खोल रखा है तो आप डेस्कटॉप में खोल लीजिएगा ताकि आपको भी सेम टू सेम मेरी जैसी स्क्रीन आपको देखने को मिले। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे तुम्हें सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो। देन आपको अपना डेस्कटॉप मोड ओपन कर लेना है। देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट सर्विस डोर स्टेप बैंकिंग पेमेंट अदर प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट का और सर्विस रिक्वेस्ट का और पार्टनर विथ, और ये काफ़ी सारे रेट और चार्ज का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो हमें किस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जिससे हमारा बैंक है जो ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, या फिर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, सर्च नहीं हो रहा अभी। तो यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सर्विस रिक्वेस्ट का, उस पर तुम्हें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, IPBB कस्टमर्स और नॉन IPBB कस्टमर। ये दोनों ऑप्शन मैन है, अगर आपने वीडियो अभी भी स्पिक कर दिया तो मैं अब बता रहा हूँ फिर से कि वीडियो बिल्कुल भी स्पिक मत करना, क्योंकि आज मैं आपको स्टूडियो में IPBB का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इसमें अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले सर्विस रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, IPP नॉन IPBB यहाँ पे तुम्हें सेलेक्ट करना है, यानी आप IPBB के कस्टमर हो तो यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आप नहीं हो तो हम तो कस्टमर नहीं है, हम तो खाता ओपन करेंगे। उसके बाद तुम्हें फिर से दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक मिल जाता है डोर स्टेप बैंकिंग, एक मिल जाता है एसोसिएट विद अस, तो हमें डोर स्टेप बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे आधार ATM कैश विद्रॉल फ्रॉम आधार लिंक्ड बैंक बिल पेमेंट और काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। इन ऑप्शन पे तुम्हें ध्यान नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि होम लोन, चाइल्ड आधार, आधार मोबाइल अपडेट, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, इन सभी तुम्हें चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। तुम्हें सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट का, यहाँ पे देख सकते हैं ओपन न्यू अकाउंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तुम्हें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है,
नीचे जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे एक फॉरम देखने को मिलेगा। ये फॉरम को आपको हल्के में नहीं लेना है गाइज, ये फॉरम है जो आपका खाता ओपन करवा सकता है। तो यहाँ पे आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे खाता ओपन करना है। लेकिन हाँ गाइज, उससे पहले आपको एक ज़रूरी सूचना देनी थी। अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पे आपका इंस्टेंटली सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है और इंस्टेंटली आपको ATM कार्ड मिल रहा है जिससे आप अपना फ़ोनपे पेटीएम जैसी आप सर्विसेज ले सकते हो। तो इस बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको कैसे खाता ओपन करना है इसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी घर बैठे, वो भी इंस्टेंट आपको ATM सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी जिससे आप अपना फोनपे पेटीएम जैसी UPI रन करवा सकते हो। तो चलो फिर आ चुके हैं हम हमारे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। तो आज तो हम आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खोल के बताने वाले हैं, लेकिन अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता नहीं खोला है तो आप खोल सकते हैं। इसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, फटाफट से आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ ये स्टार वाले ऑप्शन जो भी ऑप्शन हैं, जैसे कि इसके आगे स्टार लगा हुआ है तो इसको आपको भरना अनिवार्य है। जिसके आगे नहीं लगा है उसे आप चाहे तो छोड़ भी सकते हो, चाहे तो भर भी सकते हो। जैसे लास्ट नेम, ईमेल ऐसे हैं जिन्हें आप छोड़ भी सकते हो और भर भी सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पे ऑप्शंस में इसमें सेलेक्ट करना है आप जो भी है, मिस्टर CMS जो भी है, तो मैं मिस्टर हूँ तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको तुम्हें अपना फर्स्ट नेम डालना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम हो वो यहाँ पे तुम्हें एंटर करना है। देन उसके बाद अप्रूवल अपना लास्ट नेम डालना है। ध्यान रहे आप जो भी चीज़ भरे वो अपने आधार कार्ड से भरे, आधार कार्ड साथ में लेके बैठे जब भी आप ये फॉर्म भर रहे हो। तो उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपका मोबाइल नंबर आपको ही डालना है। इस पर आपके आपके कॉल भी किया जा सके, OTP भी आ सके, ऐसे मोबाइल नंबर को आपको टाइप करना है। उसके बाद तुम्हें चाहे तो आप ईमेल ID लगा सकते हो, चाहे तो नहीं भी लगा सकते, ये ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हो और इसे आप भर भी सकते हो। उसके बाद आपको एड्रेस की लाइन फर्स्ट में डालनी है, आपको एड्रेस डालना है अपने आधार कार्ड से। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आती है कि सर हमारा जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो हमारे गांव का है, विलेज का है, और हम जहाँ रहते हैं, हम किसी अदर सिटी में रहते हैं, हम काम करते हैं तो वही रहते हैं। तो आप चाहो तो वही एड्रेस आप दे सकते हो जिस वक्त आप परमानेंट एड्रेस दे सकते हो, जैसे कि इस वक्त आप कहाँ हो वही एड्रेस दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको वो एड्रेस भी दे देना है, चाहे तो आप चाहे आप अपना आधार कार्ड के हिसाब से भी दे सकते हो। एड्रेस दोनों लाइन में आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको पिन कोड सेलेक्ट करना है, आपका जो भी पिन कोड है वो यहाँ पे तुम्हें सेलेक्ट करना है। अब पिन कोड आपको सही सेलेक्ट करना है, आपका जो भी पिन कोड है। जैसे ही आप पिन कोड सेलेक्ट करोगे आपकी जो नियर बाई पोस्ट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, जैसे मेरी भांडा रेंज है तो ये आ चुकी है। उसके चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हो, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इसमें आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इन पिन कोड पे जो भी शाखा उपलब्ध है वो यहाँ पे आ जाएगी सारी, जैसे रानोली इलाका जो भी है यहाँ पे आ जाएगी। आप चाहो तो जैसी जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़े वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको लिंक IPB ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है, डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इसी प्रकार रीजन सेलेक्ट कर लेना है, सर्किल सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट कर देना है। अब उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है, उसमें तुम्हें क्या टाइप करना है। तो यहाँ पे तुम्हें टाइप करना है न्यू अकाउंट ओपन रिक्वेस्ट। इस प्रकार से तुम्हें यहाँ पे ये टाइप करके आई एग्री पे तुम्हें क्लिक करना है और इस कैप्चे को यहाँ पे फिलअप करके सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज आपको एक या दो दिन में आपके घर एक डाकिया आएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर दिए इन पे कॉल करेगा, आपके एड्रेस पे आएगा और वो आपका खाता ओपन करके जाएगा।